हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग बात कर रहे थे अपने 9 AM की क्लास में इकोनॉमिक्स के बारे में, और इस डिस्कशन में हम लोगों ने काफी कुछ देख रखा है रिलेटेड विद मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, फाइनेंशियल मार्केट एंड ऑल दैट। इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और आज के डिस्कशन में हम लोग बेसिकली देखेंगे हमारा एग्रीकल्चर का चैप्टर। तो हम लोग देखेंगे क्या कुछ एग्रीकल्चर में है। देखिए, चैप्टर के बारे में बात करें तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली बेसिक्स के बारे में बात कर रहे होंगे, और जो क्वेश्चंस आपके आते हैं वो बेसिकली आते हैं इकोनॉमिक सर्वे और बजट से बेसिस पे। तो अब हम लोग जितने भी डिस्कशन करेंगे टुडे ऑनवर्ड्स, एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, सर्विसेज सेक्टर हो गया, इन सारे सेक्टर्स में आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट को ध्यान में रख करके पढ़ना होगा, क्योंकि हम लोग बेसिक्स के बारे में बात करेंगे और एग्जाम में आपसे उस बेसिक्स पे आपसे क्वेश्चन आएंगे या फिर आपसे डेटा ओरिएंटेड आएगा, मतलब कि इकोनॉमिक सर्वे बेसिस पे आएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डिस्कशन के लिए, अपने डाउट पूछने के लिए। इसके अलावा दीज आर आवर अवेलेबल कोर्सेज जिसको आप लोग अपने प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं बेटर तरीके से। दीज आर प्रीलिम्स स्पेशल एज वेल एज मेंस स्पेशल क्लासेस। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज, दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक दैट इज रिलेटेड विद एग्रीकल्चर। तो अब हम लोग पहले देख लेते हैं एग्रीकल्चर की क्या कुछ चीजें हमारे पास बैकग्राउंड में हैं, और बाकी हम लोग देखेंगे इसके आगे क्या चीज है। तो एग्रीकल्चर रिमेन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ द इकॉनमी वेदर इट बी द प्री इंडिपेंडेंस और द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। अब देखिए, यहां पर अगर बात करें एग्रीकल्चर के बारे में तो हमारी जो इंडियन इकॉनमी है वो शुरुआत से ही, सिंस द बिगनिंग, ये एग्रीकल्चर डिपेंडेंट रही है। और अगर इसके एग्रीकल्चरल डिपेंडेंसी के बारे में बात की जाए तो हम लोग को पता है कि हमारा जो इकॉनमी है, मतलब हमारा जो इंडिया है वो एग्रो क्लाइमेटिक बेस्ड है, मतलब एग्रीकल्चर के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजिशन होल्ड करता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो देखिए, ये प्राइमरी एक्टिविटी, प्राइमरी सेक्टर में आ जाती है और इससे कई सारी इंडस्ट्रीज कनेक्टेड होती हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही होती है और इस तरीके से चीजें होती हैं। तो अगर हम प्री इंडिपेंडेंस के बारे में बात करें या पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में बात करें, दोनों ही चीजों में हमने एग्रीकल्चर को इक्वली फोकस किया था बिकॉज ऑफ आवर ज्योग्राफिकल लोकेशन। इन द फिस्कल पॉलिसी ऑफ 1950-51 एग्रीकल्चर अकाउंटेड फॉर 55.4% ऑफ GDP, और ये काफी ज्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम वाली बात थी क्योंकि हम लोग उस समय जीडीपी का काफी कुछ निकाल रहे होते थे अपने केवल और केवल एग्रीकल्चर से, लेकिन ये केवल और केवल परसेंटेज पे है। जब इसके एब्सोल्यूट वैल्यू जब आप देखेंगे तो ये वैल्यू काफी ज्यादा कम थी, और वो केवल और केवल इसलिए क्योंकि हम लोग जस्ट अभी इंडिपेंडेंट हुए थे। लेकिन हमारे पास काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी, और वो सिचुएशन आप अपने प्लानिंग कमीशन वाले डिस्कशन के साथ रिलेट कर सकते हैं कि क्या कुछ स्थिति उस समय हो रखी थी। इकोनॉमिक सर्वे 1718 का ये बोलता है कि एग्रीकल्चर इंप्लॉयज मोर देन 50% ऑफ टोटल वर्कफोर्स एंड 17-18% ऑफ शेयर इन GDP। मोर और लेस अगर बात करें कि 2019 में और 2020 में भी क्या हुआ है, तो मोर और लेस डेटा सेम है, बस अंतर क्या है कि ये जो 17-18% है ये चला गया है 16.5% के आसपास। तो नियर अबाउट डेटा सारा सेम ही आपको देखने को मिलेगा। आज भी यहां पर एम्प्लॉयमेंट के तौर पे काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जाता है, और आप लोग को पता ही है एम्प्लॉयमेंट डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो रही होती है। तो एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से अगर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखें तो काफी कम है, और यही रीजन है कि ये एग्रीकल्चर हमारा काफी ज्यादा बैकवर्ड पोजिशन में है। एग्रीकल्चर इज द बिगेस्ट अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द इकॉनमी अकाउंटिंग फॉर मोर देन 90% ऑफ शेयर इन टोटल अनऑर्गेनाइज्ड लेबर फोर्स। तो यहां पर वही अगेन अनऑर्गेनाइज्ड लेबर सेक्टर काफी ज्यादा यहां पर फैला हुआ है, जिसके कारण से हमारी जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो नहीं आ पा रही है। वी नीड टू मेक श्योर कि यहां पर जो भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जा रही है उसे हमें ऑर्गेनाइज करना होगा, उसे हमें साइंटिफिक करना होगा, और उसे हमें अपने एग्रीकल्चर या फिर हमारे इकोनॉमी के साथ इसको लिंक करना होगा। अगर हम लोग बात करें कुछ बेसिक्स के बारे में एग्रीकल्चर के, तो बेसिक्स में स्टार्ट होती है सबसे पहले कि क्रॉपिंग सीजन क्या है। तो देखिए, अगर बात करते हैं हमारे इंडिया की, अगर तो इंडिया में हमारे पास अलग अलग टाइम पे अलग अलग सीजन हो जाते हैं। जैसे अगर बात करते हैं जून जुलाई के मौसम में जब आप आ जाएंगे तो इस समय का मौसम होता है कि हैवी रेनफॉल हो रही होती है। अगस्त तक आ जाते हैं तो यहां पर हैवी रेनफॉल हो रही होती है। फिर उसके बाद सेप्टेंबर से स्टार्ट करके फिर
ये दिसंबर तक जाती है और अल्टीमेटली यहाँ पर काफी ठंड हो जाती है, दिसंबर क्या नवंबर तक बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद से नवंबर से लेकर के फिर उसके बाद अप्रैल तक, फिर ये कह लीजिए कि शुरुआती दिनों में ठंड रहती है, देन उसके बाद से गर्मी हो जाती है। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर बेसिस पे तीन रीजन में बांटा गया है। इसको बोलते हैं जायद की क्रॉपिंग, इसको बोलते हैं खरीफ की क्रॉपिंग और इसको बोलते हैं रावी की क्रॉपिंग। ये सारे के बारे में हम लोग एक एक करके जरा देखना शुरू करते हैं। द एग्रीकल्चरल क्रॉप ईयर इन इंडिया इज फ्रॉम जुलाई टू जून, तो ये जुलाई टू जून चला जाता है। इंडियन क्रॉपिंग सीजन आर क्लासिफाइड इन टू खरीफ, एक हो जाती है जो खरीफ होती है। खरीफ का मतलब ये होता है कि जब स्टार्ट हो रही है, मतलब कि जब भी सोइंग सीजन हो रहा है उस समय कुछ खास बारिश ना हो, लेकिन सो करने के बाद, बीज लगाने के बाद फिर थोड़े टाइम बाद बारिश हो जिससे कि इरिगेशन की जरूरत ना पड़े। तो खरीफ क्रॉपिंग सीजन इज फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर, समटाइम्स इट इज नवंबर ऑल्सो ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून। द खरीफ क्रॉप में कौन कौन सी चीजें हो जाती हैं, जैसे राइस हो गया, चावल, मेज जो हमारा मक्का हो जाता है, सॉर्गम, पर्ल मिलेट, बाजरा, फिंगर मिलेट, रागी, अरहर, तो काफी कुछ हो जाते हैं। आपको देखिए 4 to 5 क्रॉप का नाम आप याद रखिएगा कि कौन से सीजन में मिलती है, या खरीफ है या रबी है। जायद की क्रॉपिंग के बारे में बात करें तो क्रॉप सीजन फ्रॉम मार्च टू जून ये पाया जाता है। देखिए दिस इज नॉट अ रिजिड मंथ, फ्लेक्सिबल होते हैं, एक आध दो महीने का भी हो जा रहा होता है। यहां पर जितने रस भरी वाली फ्रूट्स होती है, चाहे वेजिटेबल्स होती है, वो सारी की सारी इसी सीजन में उगाई जा रही होती हैं। रावी के बारे में बात करें तो रावी क्रॉपिंग सीजन इज फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च ड्यूरिंग द नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, या फिर हम लोग इसी को बोल सकते हैं रिटर्निंग मॉनसून। रिटर्निंग मॉनसून के समय यही सारी क्रॉपिंग की जा रही होती है। तो रवि क्रॉप्स इंक्लूड वीट, जो गेहूं हो जाती है, बार्ले, ओट्स, चिकपी, ग्राम, लिनसीड एंड ऑल दैट। अगेन मैं बोलूंगा एटलीस्ट 4 to 5 क्रॉप का नाम आप यहां से भी याद रखिएगा। जायद में आप देख सकते हैं जैसे कुकुम्बर हो गया या फिर वाटरमेलन हो गया, तो ये सब जो क्रॉप्स होती हैं वो जायद में आ जा रही होती हैं। क्लियर हो गया। क्रॉपिंग के बारे में बात करें, देखिए तो अब आ जाती है हमारी फील्ड के बारे में। अगर पहले एग्रीकल्चर के बारे में देखें तो यहां पर देखिए कुछ इसके इनपुट्स होते हैं, या फिर कह सकते हैं प्राइमरी कंपोनेंट। तो जो प्राइमरी कंपोनेंट होते हैं उस प्राइमरी कंपोनेंट में आ जाती है लाइक व्हाट, सबसे पहले आ जाती है आपकी फील्ड, क्या हमारे पास फील्ड होनी चाहिए। दूसरी आ जाती है हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज, इरिगेशन फैसिलिटी होनी चाहिए। तीसरी आ जाती है हमारे पास सीड्स, तो सीड्स होना चाहिए। नंबर 4 आ जाता है फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर के लिए क्या चीज है। नेक्स्ट लेबर फोर्स आ जाती है। तो ये हमारे कुछ जो है प्राइमरी कंपोनेंट्स हो जाते हैं एग्रीकल्चर के लिए। वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे। जैसे सबसे पहले फील्ड के बारे में बात करेंगे, फील्ड के बारे में बात करेंगे तो देखिए एक होता है जो क्रॉपिंग एरिया होती है, क्रॉपिंग एरिया। अब ये दो तरीके से होता है, एक होता है जिसको बोला जाता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, और दूसरी होती है जिसको बोला जाता है नेट क्रॉपिंग, नेट क्रॉप्ड एरिया। नेट का मतलब आप लोग को मैं शुरू से बता रखा हूं कि जहां पर ग्रॉस में से अगर कोई डेप्रिसिएशन होती है तो उसको माइनस कर दिया जाता है, तो उससे हमें नेट निकल के आ जाता है। ग्रॉस का मतलब क्या होता है कि सारी फील्ड, जितनी बड़ी फील्ड है उस पूरे को हम लोग बोल देते हैं कि ये ग्रॉस क्रॉप एरिया है। इट डजंट मैटर कि वहां पर कुछ आपने बोया है या नहीं बोया है, ये पूरा का पूरा एरिया ग्रॉस क्रॉप एरिया के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि मेरी 2 एकड़ की जमीन है, मेरी 1 एकड़ की जमीन है, ये एक ग्रॉस क्रॉप एरिया में आ जाता है। नेट क्रॉप एरिया का मतलब ये होता है कि जहां पर मान लेते हैं ये फील्ड है और इस फील्ड में आपने कुछ मार्जिन छोड़ा हुआ है, और उस मार्जिन छोड़ने के बाद आपने बीच में कहीं पर खेती की है और अकॉर्डिंगली आपने जो है कुछ एरिया को छोड़ रखा है। इस तरीके का जो एरिया छोड़ने के बाद जितना एरिया बच जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं नेट सोन एरिया, दिस इज नेट सोन एरिया या नेट क्रॉप्ड एरिया। क्लियर हो गया दोनों में क्या अंतर है। चलिए है आगे बात करें अगर, तो देखिए इसके बाद आ जाती है क्रॉपिंग इंटेंसिटी, कि आपकी जो फील्ड है चाहे वो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया हो चाहे नेट क्रॉप्ड एरिया हो, कि आपने क्रॉपिंग की कैसे है, मतलब क्या चीज है। नंबर ऑफ क्रॉप्स कल्टीवेटेड इन अ पीस ऑफ लैंड पर एनम इज क्रॉपिंग इंटेंसिटी, कितने नंबर ऑफ क्रॉप्स आपने लगा के रखी है। अब यहां पर दो केस हो सकती है, एक केस हो सकती है कि आपने सेम क्रॉप लगाई होगी या फिर आपने दूसरी डिफरेंट क्रॉप लगाई होगी। अगर आपने सेम क्रॉप की है इसको बोलते हैं मोनोक्रॉपिंग, जहां पर केवल और केवल सिंगल क्रॉप लगाई जाती है।
दूसरी होती है जहां पर डिफरेंट क्रॉप्स लगाई जाती है, इसको हम लोग बोल देते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग या फिर रिले क्रॉपिंग भी बोल सकते हैं आप इसको, अलग अलग नाम हो जाते हैं। ये सारा का सारा डिस्कशन हम लोग बेसिकली देखेंगे जब हम लोग अपनी एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहे होंगे, तो हम लोग इस सारे सेक्टर को ज्योग्राफी में अगेन डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये ज्योग्राफी का सेक्टर और इकोनॉमिक का सेक्टर दोनों ही मिक्स है एक दूसरे से, बिना एक को समझे दूसरे को नहीं समझा जा सकता है। तो फिलहाल हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर लेंगे और बाकी इसके ज्योग्राफी के बारे में जब हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर देखेंगे तब वहां पर देखेंगे। तो फिलहाल के लिए क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ क्रॉप्स कल्टीवेटेड इन अ पीस ऑफ लैंड पर एनम इज क्रॉपिंग इंटेंसिटी। अब देखिए इसके बाद आ जाती है क्रॉपिंग पैटर्न, किस तरीके से पैटर्न है, पैटर्न का मतलब क्या हो गया। देखिए एक ऑप्शन है कि आपने सपोज वीट लगाई है तो आपने एक यहां पर एक रो वीट की लगा दी, फिर आपने दूसरी रो कुछ मार्जिन लेके लगा दी, फिर कुछ मार्जिन लेकर के आपने तीसरी लगा दी, तो आपने यहां पर लगा दिया। इसके बाद मान लीजिए आपको बार्ले भी लगाना है, तो ये जो बची हुई जगह है यहां पर आपने बार्ले लगा दिया, यहां पर आपने बार्ले लगा दिया, यहां पर आपने बार्ले लगा दिया। इससे होता क्या है कि मान लीजिए सपोज वीट की क्रॉप उस साल खराब हो गई, तो एटलीस्ट यू हैव बार्ले विद यू जिससे कि आप अपनी इनकम निकाल सकें। तो इस तरीके की डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न होती है और इस डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न को ही हम क्रॉपिंग पैटर्न बोलते हैं। तो क्रॉपिंग पैटर्न बेसिकली डिपेंड्स ऑन अ फॉर्म एंड इट्स इंटरेक्शन विद फॉर्म रिसोर्स अदर फॉर्म एंटरप्राइज एंड अवेलेबल टेक्नोलॉजी विच डिटरमाइन देयर मार्केट। मैं इसको क्लियर कर देता हूं ताकि आप लोग को दिखे, द क्रॉपिंग पैटर्न डिपेंड्स ऑन ए फॉर्म एंड इट्स इंटरेक्शन विद फॉर्म रिसोर्स अदर फॉर्म एंटरप्राइज एंड अवेलेबल टेक्नोलॉजी विच डिटरमाइन देयर मेकअप। तो इस तरीके से हमारे पास क्रॉपिंग पैटर्न आ जाती है। इसके बाद होती है जिसको बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। अगर मान लीजिए एक क्रॉप से ज्यादा अगर दो क्रॉप आप बो रहे हैं या फिर उससे भी ज्यादा अगर आप क्रॉपिंग कर रहे हैं इन अ ईयर, तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या है, आपको एक और एग्जाम्पल से समझ देते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह हमारी पूरी की पूरी फील्ड है, इस फील्ड में आपने क्या किया, मान लेते हैं कि शुगर केन बो दिया है, शुगर केन आपने लगा दिया है लेकिन काफी डिस्टेंस पे लगाया है। उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन ये है कि शुगर केन जो होती है वो ईयरली क्रॉप होती है, एनुअल क्रॉप होती है। शुगर केन दिस इज एनुअल क्रॉप। अब आपने क्या किया, बीच बीच में अकॉर्डिंग टू द सीजन आप बीच बीच में कभी वीट लगा देते हैं, कभी आप राइस लगा देते हैं, कभी आप मेज लगा देते हैं, तो इस तरीके से अलग अलग चीजें हो जाती हैं। इसके अलावा आपने मान लीजिए फ्रंट में भी कुछ एरिया छोड़ा हुआ है और आपने यहां पर क्या किया है कि ऑयल सीड्स लगा दिए हैं। इसके अलावा पीछे भी कुछ एरिया आपने मान लीजिए ओपन करके रखा है और आपने यहां पर वेजिटेबल्स लगा दिए हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपने ऑयल सीड भी लगा दिया है, आपने वेजिटेबल्स भी लगा दिया है, आपने अकॉर्डिंग टू द सीजन जो भी क्रॉप है वो लगा दिया है, चाहे खरीफ लगाया होगा, चाहे जायद लगाया होगा या फिर आपने रबी लगाया होगा, और साथ में आपने एनुअल क्रॉपिंग भी की हुई है। तो बेसिकली एक ही फील्ड पर आप चार अलग अलग क्रॉप लगा रहे हैं, इस तरीके की चीजों को बोला जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग। दिस कैन बी इन डिफरेंट व्यू लाइक कॉमर्शियल बेसिस पे अगर आप कर रहे हैं तो कॉमर्शियल फार्मिंग हो जाती है, और अगर इस तरीके से रिले कर रहे हैं लगातार एक दूसरे के बाद दूसरा लगाते जा रहे हैं इसको बोलते हैं रिले क्रॉपिंग। ये सारा का सारा टर्म हम लोग जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा क्या चीज मैं बात कर रहा हूं। फिलहाल के लिए आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आखिर में मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है। क्लियर। इंटरक्रॉपिंग के बारे में बात करें तो ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली विद डिस्टिंक्ट रो अरेंजमेंट ऑन द सेम फील्ड एट द सेम टाइम। तो बेसिकली यहां पर जो हम लोगों ने बात की है वो एक तरीके की इंटरक्रॉपिंग ही है। मल्टीपल क्रॉपिंग इंटरक्रॉपिंग में बिल्कुल बदल सकती है। दीज टू टर्म्स आर नॉट डिफरेंट, दे आर इंटरडिपेंडेंट। इसके बाद आती है हमारी फार्मिंग सिस्टम के बारे में। तो फार्मिंग सिस्टम के बारे में अगर बात करें तो देखिए हमारे पास अलग अलग तरीके की क्रॉपिंग हो जाती है या फिर अलग अलग तरीके की हमारे पास फील्ड हो जाती है। जैसे अगर बात करें इंडिया में, इंडिया में हमारे पास अलग अलग तरीके के रीजियन है। जैसे हमारे पास एक रीजियन है जिसको हम लोग बोलते हैं हिमालयन रीजियन, जो हिमालय का पार्ट हो जाता है। जैसे हमारा पंजाब हो गया या फिर हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो ये एरियाज हमारे हिमालय के पास एरिया में आ जाते हैं। दूसरा होता है जो गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र प्लेन है,
ये प्लेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये फर्टाइल है और दूसरा प्लेन इलाका है जहां पर एग्रीकल्चर के लिए काफी अच्छे प्रोस्पेक्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं। तीसरा एरिया हो जाता है जो पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट हो जाता है। पेनिनसुलर इंडिया का मतलब हो गया साउथ में तेलंगाना हो गया या फिर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सारे रीजन को हम लोग पेनिनसुलर इंडिया बोल देते हैं। चौथा एरिया होता है जो कोस्टल इलाका होता है। कोस्टल इलाके अब देखिए सारे रीजन अलग अलग प्रॉपर्टीज अपनी होल्ड किए हुए हैं जिसमें गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इंपॉर्टेंट होने का एकमात्र रीजन है ये मॉनसून के थ्रू पानी काफी ज्यादा अवेलेबल हो जाता है यहां पर। पेनिनसुलर इंडिया में बात करें तो देखिए ये इलाका पूरा का पूरा ड्राई इलाका है। कोस्टल के बारे में बात करें तो इसको बोलते हैं हम लोग मैरीटाइम, जैसे हैविंग मैरीटाइम क्लाइमेट। और हिमालयन के बारे में बात करें तो देखिए ये तो माउंटेन एरिया हो जाता है, तो माउंटेनियस इसको बोल देते हैं माउंटेनियस। तो अगर हम लोग बात करें कि वेटलैंड के बारे में तो बेसिकली वेटलैंड का मतलब है जो हम लोग गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पर होता क्या है, यहां पर जमीन हमेशा भीगी हुई रहेगी, इरिगेशन के सोर्सेज हमेशा अवेलेबल रहेंगे जैसे सॉयल फ्लडेड और इरिगेटेड थ्रू लेक, पॉन्ड एंड कैनाल एंड लैंड इज ऑलवेज इन सबमर्ज्ड कंडीशन। सबमर्ज्ड कंडीशन का मतलब यहां पर फ्लड प्लेन से नहीं है, यहां पर केवल और केवल इससे है कि यहां पर इरिगेशन की फैसिलिटीज हमेशा अवेलेबल है, हमेशा आप यहां पर सिंचाई कर सकते हैं। दूसरी होती है जो ड्राईलैंड फार्मिंग होती है, नाम से ही पता लग रहा है कि ये पेनिनसुलर इंडिया के बारे में बात कर रहा होगा। द प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंटायरली डिपेंड अपॉन रेनफॉल एंड मॉइस्चर कंजर्व इन द सॉइल, जैसे कि छत्तीसगढ़ का इलाका हो गया या फिर आंध्र प्रदेश का इलाका हो गया, तमिलनाडु का इलाका हो गया, तेलंगाना का इलाका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया एटसेट्रा, ये इलाके ड्राईलैंड फार्मिंग में कहलाते हैं। ज्योग्राफी में अगर आप जा करके चेक करेंगे तो आपको बुंदेलखंड का इलाका, मराठवाड़ा का इलाका ये सब आपको सुनने को मिलेगा। नेक्स्ट हो जाती है जो रेनफिट फार्मिंग होती है। रेनफिट फार्मिंग का मतलब ये होता है कि केवल और केवल वो इलाके जहां पर 75 सेंटीमीटर से ज्यादा की बारिश हो रही है, ये सारे इलाके आपको मिल जाएंगे जो नॉर्थ इंडिया के इलाके हैं। नॉर्थ इंडिया में आपको 75 सेंटीमीटर से ऊपर की बारिश मिल जाती है, तो इस तरीके से इन इलाकों को बोला जाता है कि ये रेनफेड है, दे आर डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। नेक्स्ट आती है जिसको बोलाता है मिक्स्ड फार्मिंग, अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग ऑन अ पर्टिकुलर फार्म विच इंक्लूड क्रॉप प्रोडक्शन एंड लाइव स्टॉक, पोल्ट्री एंड ऑल दैट। यहां पर होता क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। जैसे चाहे हमारा नॉर्थ इंडिया हो, चाहे हमारा साउथ इंडिया हो, चाहे हमारा हिमालयन हो, चाहे हमारा पेनिनसुलर हो, चाहे हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ही क्यों ना हो, चाहे कोस्टल हो, मतलब कि रीजन कोई भी किसी भी तरीके का हो, कोई भी अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो उस एग्रीकल्चर में आपको फुल टाइम लगने की जरूरत नहीं होती है। यानी कि अगर फुल टाइम नहीं लग रहे हैं तो आप एक एडिशनल पार्ट टाइम भी कुछ कर सकते हैं। तो जो पार्ट टाइम कर सकते हैं उसका नाम होता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री मल्टीपल चीजें यहां से हो जाती हैं। एक तो एनिमल से जो भी प्रोड्यूस निकल के आता है उसको भी आप मार्केट में सेल करके उससे भी बेनिफिट कमा सकते हैं, प्लस साथ में इस एनिमल का यूज अपने फार्म में भी कर सकते हैं। इस तरीके के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग, जहां पर क्रॉप तो क्रॉप, अब आप लाइव स्टॉक भी करना शुरू कर दिए। यहां से आप पोल्ट्री, फिशरी या बी कीपिंग कुछ भी कर सकते हैं, जिसमें आप ज्यादा समय भी नहीं लगाना चाहेंगे और काफी ज्यादा प्रॉफिट इसमें निकल के आ जा रहा होता है। सिंगल मोस्ट प्रॉब्लम इसकी एक ही है और वो है ये काफी कॉस्टली होता है, इनिशियल कॉस्ट इसकी काफी ज्यादा होती है। जैसे अगर पोल्ट्री के बारे में बात करें या फिशरी के बारे में ही बात करें तो देखिए इसको सेटअप करने के लिए ही, इसका जो भी पोल्ट्री हाउस होता है उसको सेटअप करने ही कम से कम 60-70 लाख रुपीज लग जा रहे होते हैं इनिशियल कॉस्ट। हालांकि बाद में इसको मेंटेन करने के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, लेकिन यह है कि इनिशियल कॉस्ट काफी ज्यादा हो जाती है और हमारे फार्मर्स के लिए काफी प्रॉब्लमेटिक होती है। और इसीलिए गवर्नमेंट भी आजकल प्रमोट कर रही है कि अगर आपको मिक्स्ड फार्मिंग करना है तो यू कैन टेक लोन फ्रॉम अस, हम लोगों से लोन ले सकते हैं और चीजों को कर सकते हैं। देखिए लोन इज ऑलवेज अ बर्डन, तो कुछ खास नहीं होता है। खैर हम लोग बात करेंगे इसकी और भी मेंस की क्लास में जब हम देखेंगे, फिलहाल के लिए हम लोग स्टिक टू द पॉइंट अगर रहें और हमारे पास ये सारी फार्मिंग सिस्टम हो जा रही होती है। क्लियर हो गया क्या चीज है, आगे बढ़ते हैं।
आगे जब आएंगे हम तो हम लोग को देखना होगा एग्रीकल्चर टेक्निक के बारे में। अभी एग्रीकल्चर टेक्निक है क्या, देखिए एक एक करके हम लोग जरा बात करते हैं। जैसे पहले हम लोग बात करेंगे फॉर्म के बारे में। तो देखिए फॉर्म के बारे में अगर देखेंगे तो बेसिकली फॉर्म में तो मैकेनाइजेशन काफी अच्छा हो गया है। इनफैक्ट अगर इस बार का इकोनॉमिक सर्वे आप पढ़ेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो ट्रैक्टर हमारे यहां आते हैं वो हम लोग इंडिया में टॉप पे है। ट्रैक्टर का जो कह लीजिए मैन्युफैक्चरिंग है वो टॉप पे है, इतना ज्यादा ट्रैक्टर किसी और जगह पर नहीं है। मतलब कि मैकेनाइजेशन ऑफ फार्म हमने किया तो जरूर है लेकिन वो फर्स्ट स्टेप पे किया है। अगर वही हम लोग इरिगेशन के बारे में बात करें तो आज भी ये इरिगेशन या तो लेक से या पॉन्ड से या कैनाल से या फिर कह लीजिए टैंक से हो रही होती है। तो यहां पर भी अगेन हमें काफी कुछ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करने की जरूरत है। वी आर वेरी बैकवर्ड हियर, काफी बैकवर्ड है हम लोग। सीड के बारे में अगर बात करें तो देखिए सीड भी आज हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिशनल सीड्स ही अभी ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड के खरीदने का पैसा भी नहीं है और प्लस दूसरा ये पेटेंट हो रखा है तो पेटेंट कॉस्ट काफी ज्यादा हाई हो जाती है। तो इस वजह से जीएम क्रॉप ज्यादा हम लोग ले नहीं पाते हैं। डेवलपमेंट के नाम पे बात करें तो इन्वायरमेंटलिस्ट कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज कर देते हैं जिसके कारण से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉपिंग की बहुत ज्यादा फील्ड पर हमें एप्लीकेशन देखने को नहीं मिल पा रहा होता है। तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है जिसके कारण से हमें एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी जो कि हमारी इस समय बैकवर्ड है उसको हमें काफी ज्यादा फॉरवर्ड करने की जरूरत है। वन बाय वन करके जरा चीजों को देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाती है हमारी ऑर्गेनिक क्रॉपिंग। व्हाट इज दिस ऑर्गेनिक क्रॉपिंग, नाम सुना होगा आपने स्टेट का जिसका नाम है सिक्किम। फर्स्ट स्टेट ऐसा बन गया है जो प्योरली ऑर्गेनिक है। अब इस प्योरली ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, प्योरली ऑर्गेनिक करने का मतलब यह हो गया कि आप अपने फील्ड पर ट्रेडिशनल सीड लगाएंगे, ट्रेडिशनल सीड, फर्टिलाइजर नहीं रखेंगे, पेस्टिसाइड नहीं अप्लाई करेंगे। तो इसकी जगह अप्लाई क्या करेंगे, इसकी जगह आप या अप्लाई करेंगे नेचुरल फर्टिलाइजर। जैसे नेचुरल फर्टिलाइजर का मतलब काउडंग हो गया या फिर जो भी चाय की टी लीव्स हो गई या इस तरीके की जो चीजें होती हैं जो नेचुरली अवेलेबल हैं जिसमें कोई केमिकल अलग से नहीं मिलाया गया है उनको यूज कर सकते हैं अपने इस ऑर्गेनिक क्रॉपिंग में। इस तरीके की क्रॉपिंग में यील्ड बहुत ज्यादा तो नहीं होती है लेकिन ये एटलीस्ट प्योर होता है, इसमें किसी प्रकार की केमिकल नहीं होती है और इसका मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड है, चाहे वो इंडिया का मार्केट हो चाहे वो हमारा फॉरेन मार्केट हो, दोनों ही जगहों पे काफी ज्यादा डिमांड है और इस तरीके से सिक्किम काफी अच्छा फायदा उठा ले रहा होता है। क्रॉपिंग के बारे में बात करें तो फार्मिंग वेयर ऑल काइंड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिकली, दैट इज अवॉइड और लार्जली एक्सक्लूड द यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ग्रोथ रेगुलेटर एंड लाइव स्टॉक फीड एडिटिव्स। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं हम लोग उसको यूज नहीं करते हैं। आगे बात करें तो दूसरा होता है हमारा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जब कई चीजों को आप एक साथ लेकर के चल रहे होते हैं, दिस इज बेसिकली इंटीग्रेशन। हमारे पास बहुत सारे एग्रीकल्चर इनपुट्स होते हैं जिनको हमें साथ लेकर के चलना होता है। जैसे अगर बात करते हैं देखिए इंटीग्रेशन ऑफ फार्म एंटरप्राइज सच एज क्रॉपिंग सिस्टम, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, फॉरेस्ट्री फॉर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स ब्रिंगिंग प्रॉस्पेरिटी टू द फार्मर। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं देखिए किसी एक फार्मर की, इस फार्मर के पास क्या है कि 2 एकड़ की जमीन है, सपोज 2 एकड़ की जमीन है। हमारे इंडिया की प्रॉब्लम क्या है, एलियनेशन ऑफ लैंड, मतलब एक जगह पर सारी की सारी भूमि, एक जगह पर सारा का सारा जो फील्ड है वो नहीं होगा, यानी इसके 2 पार्ट में होंगे। मान लेते हैं एक पार्ट यहां पर, ये वाला एक पार्ट है और दूसरा पार्ट यहां पर है। अब देखिए मान लीजिए कि दोनों की क्रॉपिंग कर रहा है लेकिन ये फर्स्ट वाला पार्ट या फेलो हो गया है, फेलो का मतलब अब यहां पर आप लगा नहीं सकते कोई भी क्रॉप, अगर लगाएंगे तो फेल हो जाएगी। इस पे किया क्या जा सकता है, इस पे आप फॉरेस्ट लगा सकते हैं या फिर इस पे प्लांटेशन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। और यहां पर आप अपनी फील्ड पे जो भी आपको प्लांटेशन या फिर कह लीजिए जो भी आपको क्रॉपिंग करनी है वो क्रॉपिंग कर लीजिए, प्लस साथ में एनिमल हस्बेंड्री। तो यहां से क्या होता है कि बहुत मल्टीपल यहां पर रिवॉर्ड निकल के आते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपने फेलो लैंड पे आपने सपोज बैंबू लगा दिया,
बैम्बू लगा देने से, बैम्बू इज अ ड्राई लैंड, ड्राई लैंड होती है ये, ड्राई लैंड क्रॉपिंग है, इसे लगा देंगे तो आपको बैम्बू मिल जाएगी। और बैम्बू के प्रोडक्ट्स आज भी मार्केट में काफी ज्यादा अवेलेबल है और बैम्बू की डिमांड भी काफी ज्यादा हो रखी है। बैम्बू हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आ जाता है। फील्ड क्रॉपिंग के बारे में बात करें तो यहां से देखिए आपको फॉर्म से यहां से आपको क्रॉप आ जाएगी, क्रॉप से आप अच्छा खासा फायदा कमा सकते हैं। इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री है, एनिमल हस्बेंड्री से आप आराम से एनिमल के जो भी डेरिवेटिव्स होते हैं वो निकाल करके आप अल्टीमेटली मार्केट से अच्छा खासा फायदा कमा सकते हैं। तो ये हुआ इंटीग्रेटेड फार्मिंग, जहां पर हम पूरे के पूरे इस एग्रीकल्चरल सिस्टम को इंटीग्रेट करके देख रहे होते हैं, क्रॉपिंग सिस्टम को उठा रहे होते हैं, एनिमल हस्बेंड्री को उठा रहे होते हैं, और इनफैक्ट हम हर वो चीज कर सकते हैं जो एक फार्मर करना चाहिए। इस इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का यूज हम लोग कर सकते हैं फार्मर की इनकम को डबल करने के लिए, सेकेंड मल्टीप्लाई करने के लिए इनकम को, काफी इंपॉर्टेंट है और गवर्नमेंट भी इस पर काफी ज्यादा ध्यान दे रही है। आगे बात करें अगर तो देखिए हमारे पास आगे सिस्टम हो जाता है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या चीज होती है, देखिए अगर मान लीजिए आपको फार्मिंग करनी है, सपोज आपको फार्मिंग करनी है तो आपके पास एक बजट होना चाहिए। बजट होने का मतलब क्या है, आपको कुछ इनिशियल कॉस्ट लगानी पड़ती है। इस इनिशियल कॉस्ट का मतलब है आपको सीड चाहिए होगा, आपको फर्टिलाइजर चाहिए होगा, आपको इरिगेशन टेक्निक्स लेनी पड़ेंगी, आपको पेस्टिसाइड लेना पड़ेगा, तो ये सब चीजें आपको बेसिक नेसेसिटी पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको जीरो बजट फार्मिंग करनी है तो जीरो बजट फार्मिंग करने का मतलब है कि आपका जो इनपुट है ये कॉस्ट पूरी जीरो हो जानी चाहिए। तो इनपुट कॉस्ट बेसिकली आपकी जीरो हो गई, तो फिर लगाएंगे कैसे। इसके कहने का मतलब यह है कि जो भी क्रॉप आप लास्ट ईयर से उठाए होंगे, जो भी क्रॉप लास्ट ईयर आपने जो भी कल्टीवेशन की, उस कल्टीवेशन के बेसिस पे जो भी क्रॉप आपने डिराइव की उसी क्रॉप को आप यूज करेंगे। पहली चीज, इरिगेशन फैसिलिटी के लिए आप यहां पर नेचुरल रिसोर्स को यूज कर रहे होंगे और इस तरीके से आपका कोई खर्चा नहीं आएगा, दूसरी चीज। तीसरी चीज, फर्टिलाइजर के लिए आपको नेचुरल फर्टिलाइजर पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा और ये हो जाएगी थर्ड चीज। पेस्टिसाइड के लिए आपको पेस्टिसाइड का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो इस तरीके से आपने जो भी यहां पर आपने बजटेड अमाउंट रखा था वो कॉस्ट घट करके जीरो पे चली जाती है और इस तरीके की ही फार्मिंग को बोला जाता है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। दिस जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, आप इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग बिल्कुल बोल सकते हैं। बस ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है कि आप अपनी जो सीड्स है इनको मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में आप अपनी क्रॉप को लास्ट ईयर से डिराइव कर रहे होते हैं। क्लियर हो गया दोनों में क्या चीज है। नेचुरल फार्मिंग इज डू नथिंग फार्मिंग, मतलब क्या है, मतलब यह है कि आप अपने फील्ड में एक बार क्रॉप लगा दीजिए और फिर भूल जाइए और केवल आकर के इसको मॉनिटर करते रहिए कि यहां पर कोई जंगली जानवर तो नहीं ना घुस गया है। तो इस तरीके से जो चीज निकल के आती है जहां पर आपने अलग से कोई फर्टिलाइजर, कोई पेस्टिसाइड कुछ भी नहीं डाला है, ये निकल के आ जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। और आपने कुछ किया क्या, नहीं, तो इसीलिए कहा जाता है डू नथिंग फार्मिंग। नो टिल, टिल मतलब टिलेज, टिलेज का मतलब ये होता है जैसे जब भी एक क्रॉप आपने सपोज लगाई है उस क्रॉप के बाद आप ट्रैक्टर से क्या करते हैं, नीचे की जमीन को, मतलब नीचे की जो सॉइल होती है उसको ऊपर लेकर के आ रहे होते हैं। तो इस तरीके से पहले क्या होता था, बैल वगैरह के थ्रू हल के जरिए ये काम किया जाता था, लेकिन अब ये काम ट्रैक्टर किया जाता है। तो नो केमिकल यूज फार्मिंग, इट इज ऑफ लोकली अवेलेबल मटेरियल लाइक सीड ट्रीटेड विद काउडंग एंड यूरिन, सॉइल रिजुविनेशन विद काउडंग। तो यहां पर क्या है, बेसिकली सारी की सारी नेचुरल तरीके से चीजें की जाएंगी। तो ये पूरा का पूरा तरीका होता है जिसको हम लोग जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कहते हैं। क्लियर हो गया क्या चीज है। जीरो बजट रेफर्स टू जीरो नेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल क्रॉप्स, चाहे वो इंटरक्रॉप हो, चाहे बॉर्डर क्रॉप हो, चाहे मल्टी क्रॉप हो, जो भी आपने इनिशियल कॉस्ट लगाई थी वो सारी की सारी जीरो रहेगी। इसके बाद हमारा आता है रिवॉल्यूशंस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप इसका मैच द फॉलोइंग इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरीके से। अब जरा एक एक करके देखना शुरू करते हैं। हमारे लिए रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है पहले आप लोग ये समझ लीजिए। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है जब कोई भी चीज बहुत ही तेजी से आती है, जिसको बोलते हैं हवा के झोंके के तरीके से आना।
इसको बोलते हैं हम लोग रिवॉल्यूशन, क्रांति, क्रांति लेकर के आना, जहां पर एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक तरीके से रिवॉल्यूशन। जैसे 1857 की रिवॉल्यूशन आप बोल सकते हैं, लेकिन दैट वॉज नॉट रिवॉल्यूशन, दैट वॉज रिवोल्ट। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइज नहीं था। लेकिन उसके बाद के जितने भी हमारे इंडिपेंडेंट के जितने भी इवेंट हुए थे वो सारे के सारे ऑर्गेनाइज थे, इसलिए हम उनको रिवॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर हो गया? अगर हम लोग बात करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में, तो देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब हरित क्रांति 1966 में आई थी, और उस समय हम लोग फेस कर रहे थे काफी ज्यादा फूड शॉर्टेज। एम एस स्वामीनाथन इसके जनक बोले जाते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बोले जाते हैं। इसके बारे में देखें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन स्प्रेडिंग ओवर द पीरियड ऑफ 1967 to 68 इट चेंज इंडिया स्टेटस फ्रॉम फूड डिफिशियंट कंट्री टू वर्ल्ड लीडिंग एग्रीकल्चर नेशन। तो काफी पहले जो फूड की हमारी डिफिसिट हुआ करती थी, हम लोग फूड सरप्लस में चले गए। अगर इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में बात करें तो देखिए तीन चीजें यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, और वो होती थी पहली HYV सीड, मतलब हाइब्रिड यील्ड वैरायटी सीड, या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप आप बोल सकते हैं। दूसरा है इरिगेशन अवेलेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी, चाहे वो इरिगेशन आप ट्रेडिशनल तरीके से कर रहे हो, नेचुरल तरीके से कर रहे हो, या मैन मेड तरीके से कर रहे हो, लेकिन इरिगेशन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तीसरा था फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, और इसका यूज किया जाता था ताकि ग्रीन जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है इन पर पेस्ट का अटैक ना हो। इस तरीके से जो भी चीजें निकल के आई उसकी यील्ड एक तो काफी ज्यादा हुई, और दूसरा काफी ज्यादा हमें प्रोड्यूस मिल करके आया, और इस प्रोड्यूस के जरिए हमने जो हम लोग डेफिसिट में जी रहे होते थे उस डेफिसिट को हम लोगों ने अपना सरप्लस में कन्वर्ट कर लिया। एंड दिस फूड डिफिशियंसी अल्टीमेटली रिप्लेस्ड विद फूड सरप्लस। द यूज ऑफ हाई यील्ड वैरायटी सीड ट्रैक्टर्स इरिगेशन फैसिलिटीज पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर यूज्ड इन इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो ये थी 1966 के दौरान की, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, देयर वाज प्रॉब्लम विद दिस ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन के साथ प्रॉब्लम ये निकल के आई, कुछ सालों बाद हमने देखा कि जो हमारी फील्ड है उस वो फील्ड अब इनफर्टाइल हो गई है, मतलब कि यहां से जो एनपीके का रेशियो होता है, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम का जो रेशियो होता है, वो रेशियो अब खराब होना शुरू हो गया था। एज पार्ट ऑफ रिजल्ट लगातार लोग यूरिया डालना शुरू कर दिए, फर्टिलाइजर लोग डालना शुरू कर दिए, जिसके कारण से ये जो रेशियो है और लगातार बिगड़ता गया। बिगड़ने के कारण से एक समय के बाद जो हमारी सॉइल थी वो अल्कलाइन होना शुरू हो गई, यानी कि सॉइल अब हिंदी में जिसको बोलते हैं कि ऊसर होना शुरू हो गई, खराब होना शुरू हो गई, इनफर्टाइल होना शुरू हो गई। ये सारा केस हमें देखने को मिला था पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और ईस्टर्न राजस्थान के इलाके में। ये इलाके जब इस तरीके की चीजें बताना शुरू किए तो फिर हम लोगों ने देखा कि यार अलग अलग जगहों पे हमें अलग अलग तरीके के पेस्ट अटैक भी देखने को मिल रहे हैं। प्लस यहां पर जितने भी केमिकल का यूज किया गया था उस केमिकल के यूज के कारण से ह्यूमन हेल्थ पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को हमें मिल रही थी, बिकॉज दिस वॉज अननेचुरल, और इस अननेचुरल चीज का कहीं ना कहीं एक कंपनसेटरी इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो जब ये सारी चीजें हो गई, इसका इंपैक्ट देखने को जब हमें मिल गया, तो हम लोगों ने बोला कि देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज गुड फॉर शॉर्ट टाइम, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में अगर बात करते हैं तो देखिए ये एक फेल्ड अटेम्प्ट था, क्योंकि ये अल्टीमेटली हमें कुछ खास नहीं बल्कि नुकसान देके चला गया, और नुकसान था ह्यूमन हेल्थ के बारे में, और ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गई। इसके बाद से एक डिमांड उठना शुरू हुई कि वी नीड ग्रीन रिवॉल्यूशन 2.0, और ये ग्रीन रिवॉल्यूशन 2.0 बेसिकली था सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या है कि इट इज अ चेंज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वाइडली थ्रू नेसेसरी टू फीड एंड सस्टेन टू ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑन अर्थ। तो ये बेसिकली एक सस्टेन्ड तरीके से हमें करना है, अपने इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जरिए करना है, और ये है हमारा सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। कहा जाता है कि ये स्टार्ट हो चुका है लेकिन अभी भी अपने पीक पर नहीं पहुंचा है, तो हमें अभी ऑर्गेनिक क्रॉपिंग में ध्यान देने की जरूरत है, हमें अपने ट्रेडिशनल तरीके से जो क्रॉपिंग करते हैं उसकी देने की जरूरत है। हम लोग जो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान जो HYV सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड का यूज करना शुरू कर दिए हैं, इसको हमें मिनिमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा
केवल और केवल ह्यूमन में नहीं बल्कि जानवरों में भी इसके साइड इफेक्ट देखने को हमें मिलने शुरू हो गए हैं। तो ये थी हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। इसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन की एक और छोटे से कंपोनेंट है और वो है ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया। अगर आप देखेंगे तो सपोज दिस इज आवर इंडिया और यहां पर हमें जो भी अभी तक ग्रीन रेवोल्यूशन के इंपैक्ट देखने को मिले हैं वो इंपैक्ट हमें केवल और केवल इस इलाके में ही मिले हैं, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और ईस्टर्न राजस्थान। लेकिन जो हमारा मोस्ट एग्रीकल्चर के कारण से जाने जाने वाला रीजियन जो है वो है हमारा ईस्टर्न इंडिया, और इस ईस्टर्न इंडिया में अभी भी प्रोड्यूस की काफी ज्यादा जरूरत है और यानी कि यहां पर ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने की जरूरत है। अगर ये ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गया तो हम लोग जो सरप्लस में है वो अब हम लोग और बहुत ज्यादा ही हाई सरप्लस में चले जाएंगे और हम लोग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पूरी तरीके से बन जाएंगे, और इसी के लिए लाने की कोशिश की जा रही है ब्रिंगिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन इन ईस्टर्न इंडिया। क्लियर हो गया क्या चीज है? इसके बाद हमारे पास देखिए कुछ और भी रिवॉल्यूशन आए समय समय से। जैसे एक रिवॉल्यूशन था जिसको बोला था येलो रिवॉल्यूशन। येलो रिवॉल्यूशन, येलो मतलब पीला, पीला मतलब ऑयल, ठीक है। तो इस तरीके से कलर कोडिंग के बेसिस पे आप बोल सकते हैं कि कौन सा रिवॉल्यूशन होगा। इसी के बेसिस पे नाम भी रखा गया है इनफैक्ट, और आपको केवल और केवल ये याद रखना है मैच द फॉलोइंग में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि येलो रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, आप बता देंगे ऑयल सीड से रिलेटेड है। ब्लू रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, फिश से रिलेटेड या मरीन प्रोडक्ट से रिलेटेड है। रेड रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, टोमेटो जो लाल दिखता है या फिर मीट से प्रोडक्शन से रिलेटेड है। पिंक रिवॉल्यूशन ओनियन या प्रॉन, ठीक है, इन दोनों से रिलेटेड हो जाती है। राउंड रिवॉल्यूशन के बारे में बात करें तो आलू गोल गोल, तो यहां पर भी गोल गोल। इसके बाद आती है सिल्वर रिवॉल्यूशन जो कि एग प्रोडक्शन के लिए है, फिर ग्रे रिवॉल्यूशन जो फर्टिलाइजर के लिए है, और लास्ट में आ जाती है हमारी व्हाइट रिवॉल्यूशन जो कि मिल्क के लिए है। इसके अलावा ब्लैक रिवॉल्यूशन भी हम लोग बोलते हैं, दैट इज फॉर पेट्रोलियम एंड कोल प्रोडक्ट। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन रिवॉल्यूशन के बारे में, हम लोगों ने बात किया एग्रीकल्चर के बारे में। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इसको पार्ट टू देख लेंगे हम लोग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट होता है टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ज्वाइन करिए फटाफट, रेज योर डाउट्स, वी विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट एज सून एज पॉसिबल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।